हम ट्रॉमा सेंटर आए थे क्योंकि ये संज्ञान में आया था कि ट्रॉमा सेंटर इसलिए पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं है क्योंकि काफी डॉक्टर्स की कमी है और जो डॉक्टर्स है उसी से ही ये काम चला रहा है। एक आया था कि 1.5 साल की बच्ची को लेके कोई महिला, गरीब महिला आई थी 5 बजे शाम को शनिवार को, और उनको एंटी रैबिस इंजेक्शन नहीं मिला और उनको मना किया और उनको प्राइवेट जाना पड़ा। तो हमने निर्देश दिया है आगे इसका रिपीटिशन ना हो, इमरजेंसी में एंटी वेनम और एंटी रैबिस सब रखना है, वो तो कॉमन सेंस की बात है, ताकि आगे किसी के साथ ये ना हो, फॉलोअप करना है। बहुत सारे डॉक्टर्स द्वारा क्लियर नहीं होता है किस सेक्शन ने रेफर किया है, मतलब पीडियाट्रिशियन ने लिखा है या ऑर्थोपेडिक सर्जन ने लिखा है, क्लियर नहीं है, ताकि कहीं फ्यूचर में कोई कंप्लेंट है, कोई दवा भी गलत है, कहीं जब जांच होगा पर बहुत दिक्कत होता है। छोटे चीजों में ध्यान देने से काफी आगे जाकर के मदद हो जाता है, तो वो हमने बता दिया है। जी, सीएमओ का ड्यूटी होता है कि छोला छाप का कंप्लेंट होता है वो कई बार मामला चेकिंग करवाता है। अभी आपने बताया है इसी में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, झोला छाप जो होता है और यदि वो ड्रग भी स्टॉक करता है उसमें ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट में भी केस फाइल करना है और FIR भी दर्ज करना IPC में, तो इसमें हम निर्देश देंगे हाँ कि मैजिस्ट्रेट और ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टर का टीम जा करके ऐसा केसेस में कार्रवाई करे और अगले बार जब हम आएंगे उसमें रिपोर्ट